हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस आज जो हम रीडिंग करेंगे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। गाइस मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो गाइस पास्ट में आपने और आपके पर्सन ने बहुत अच्छा टाइम बिताया है। आपके पर्सन ने आपको प्यार भी दिया है, आपकी केयर भी की है और आपने भी अपने पर्सन को पूरा प्यार दिया है और आपने भी उनकी केयर बहुत ज़्यादा की है। आपके पर्सन से ज़्यादा आपने प्यार दिया है आप अपने पर्सन को और आपने उनकी केयर भी उनसे ज़्यादा की है और आप हर सिचुएशन में अपने पर्सन का साथ देते थे। आपने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और आप अपने पर्सन की हर डिमांड को पूरा भी करते थे, चाहे उसमें आपकी खुशी हो या ना हो, आप उन्हें खुश रखना चाहते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद गाइस आप दोनों के बीच वो थर्ड पार्टी आई है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन की कोई रोमांटिक पार्टनर या उनके हस्बैंड या वाइफ या उनकी मेंटालिटी, उनका करियर या फिर उनकी फैमिली भी हो सकती है। तो उनकी की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है। उस थर्ड पार्टी के आने के बाद ही आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना भी शुरू कर दिया और वो आपकी तरफ उतना ध्यान भी नहीं देते थे और उन्होंने आपको कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो आपसे दूर भागते और आप ये जानना चाहते थे कि आपके पर्सन इतना चेंज क्यों हुए हैं, क्यों आपके साथ वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन आपको कोई भी जवाब नहीं देते, आपसे वो दूर भागते थे और आप उनके लिए परेशान रहते थे। और आप मुझे अभी भी परेशान दिखाई देते हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि क्या आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे भी या नहीं, या आगे वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं। ये आज भी सोचकर आप परेशान रहते हो और आज भी आप अपने पर्सन का वेट करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हो। और वो जो थर्ड पार्टी है गाइस वो आपके पर्सन की कार्मिक है और उनका रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच की साइकिल है वो एंड होने वाली है और आपके पर्सन वहाँ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी आपके पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहे हैं गाइस। जो उन्होंने आपके साथ किया था उस थर्ड पार्टी में अभी वो रहते हुए वो सब कुछ वो खुद फेस कर रहे हैं और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया था। और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ खुश दिखाई नहीं देते हैं। और कुछ के पर्सन के साथ अभी ये हुआ भी है गाइस कि वो थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं और कुछ के पर्सन जो थर्ड पार्टी में स्टक हैं वो भी कुछ टाइम के बाद वहाँ से निकलेंगे। और थर्ड पार्टी या आपके पर्सन कोई तो एक ऐसा है जो ऑफ़र करेगा कि वो चाहेगा कि दोबारा से ये रिश्ता सुधर जाए, उस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच का रिश्ता दोबारा से सुधर जाए, ऐसा उन दोनों में से कोई एक कोशिश तो करेगा। लेकिन जो दूसरा है वो मानने को तैयार नहीं होगा क्योंकि ये जो साइकिल चल रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच वो एंड होने वाली है। और अभी आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है गाइस कि वो वहाँ पर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी का नेचर ही ऐसा है कि आपके पर्सन वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा जा रहा है और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को डोमिनेट भी करती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन वहाँ पर स्टक महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर उन दोनों में से कोई एक तो ऐसा है गाइस जो इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश अभी भी कर रहा है और ये आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा दिखाई देता है कि वो कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता सुधारने के लिए। जो भी उन दोनों के बीच प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करके अभी वो उनके साथ रिश्ता सुधारने की वो कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन जो दूसरा इंसान वहाँ पर है गाइस वो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता है। वो आपके पर्सन हैं या वो थर्ड पार्टी है, जो भी रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा है उसकी बात को वो दूसरा इंसान सुनना नहीं चाहता और उसकी तरफ वो ध्यान देना भी नहीं चाहता और उस इंसान को वो दूसरा पर्सन इग्नोर भी कर रहा है। और आपके पर्सन की तरफ से ये ज़्यादा दिखाई देता है गाइस कि वही अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, ऐसी कोशिश वही कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को इग्नोर कर रही है और उनकी बातों को वो सुनने को भी तैयार नहीं होती है क्योंकि थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक मुझे दिखाई देती है और आपके पर्सन भी इगोइस्टिक ही हैं गाइस। लेकिन इस वक्त वो थर्ड पार्टी के सामने झुकने को तैयार हैं लेकिन थर्ड पार्टी उनके सामने झुकने को तैयार नहीं दिखाई देती और इसी वजह से आपके पर्सन वहाँ पर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर खुशियाँ नहीं हैं, आपके पर्सन की मनमर्ज़ी वहाँ पर चलती नहीं है। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो आज़ाद ख्याल के दिखाई देते हैं, वो चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करें, वो थर्ड पार्टी को अपने कंट्रोल में रखें। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ वो ऐसा कुछ कर नहीं पाते हैं बल्कि थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और यह भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन वहाँ पर डर की वजह से भी रहते हैं, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी के साथ वो मैरिड हो सकते हैं या वो थर्ड पार्टी उनकी माँ हो सकती है।
या कोई भी ऐसी फीमेल फिगर भी हो सकती है या कोई मेल भी ऐसा हो सकता है जिसके कंट्रोल में आपके पर्सन रहते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनकी कुछ मजबूरी भी है जिसकी वजह से उस थर्ड पार्टी से वो निकल भी नहीं पाते और वहाँ पर खुश भी नहीं रह पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी के बारे में कोई तो ऐसी बात आपके पर्सन को पता चली है जिसकी वजह से उनका दिल टूटा है, उन्होंने सोचा नहीं था और वो बात उन्हें सुनने को मिली जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है, तो इसकी वजह से अभी आपके पर्सन का दिल भी टूटा हुआ मुझे दिखाई देता है। और कुछ के पर्सन ऐसे भी हैं गाइस जो लालची किस्म के हैं, जिन्हें पैसों का भी लालच हो सकता है या कुछ भी ऐसी चीज़ का लालच जो थर्ड पार्टी ने उन्हें दिया है और उसी की वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना और आपको छोड़ दिया था, लेकिन अभी आपके पर्सन को ये पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ी गलती की है। आपको उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, अगर वो आपके साथ रहते तो आज खुश रहते, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता ऐसा है गाइस जिसे वो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और वहाँ पर वो रहना भी नहीं चाहते, इस वजह से आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन ये चाहते हैं गाइस कि वो थर्ड पार्टी उनके कंट्रोल में रहे, लेकिन ऐसा वो वहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इसी की वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं और उन दोनों के बीच मनमुटाव भी चलता है। अब यहाँ पर गाइस आपके पर्सन ये इन बातों को सोच रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है उनके साथ वो स्टक हैं और जो आप हो उनकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं सकते। उनकी प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो गलतियाँ की, आपको वो छोड़ कर चले गए, इसकी वजह से उनकी हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ वो बढ़ें या आपसे वो कुछ कह सकें, और उधर वो थर्ड पार्टी के साथ वो परेशान हैं। तो आपके पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा है गाइस कि बढ़ना कैसे है आपकी तरफ या उस थर्ड पार्टी से निकलना कैसे है, ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी दिखाई देते हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि अगर वो आपसे बातचीत शुरू भी करेंगे तो क्या पता आप उनसे बात करोगे भी या नहीं, क्योंकि जो भी गलतियाँ उन्होंने की जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ वो सारी प्रॉब्लम उन्हीं की तरफ से थी, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपके पर्सन को भी पता है। तो वो आपसे बात करने में भी डर रहे हैं और उनको ये भी लगता है कि अगर उस थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आगे बढ़ते हैं तो थर्ड पार्टी उनके साथ क्या करेगी, ये भी डर आपके पर्सन को सता रहा है। और पास्ट में आपके पर्सन ने यही सोचा था गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी ज़िंदगी अच्छी चलने वाली है, उन्हें वहाँ पर कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, उन्हें प्यार मिलेगा, अबंडेंस मिलेगी और थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा खुश भी रखेगी और लाइफ टाइम उनका साथ देगी, ये उस आपके पर्सन ने सोचा था जब वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे। लेकिन अब आपके पर्सन को यही बात सता रही है कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी इतनी कैसे बदल गई, थर्ड पार्टी ने जो भी वादे किए उसे निभाए क्यों नहीं, और फिर वो थर्ड पार्टी उन्हें धोखा दे रही है, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। तो इस वजह से आपके पर्सन थोड़े से परेशान भी है और उन्हें कन्फ्यूजन भी है, वो करें क्या, उनकी लाइफ में आगे क्या होगा, ये भी आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है और वो आप ही के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ जब वो थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, कोई भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी और जब भी वो किसी प्रॉब्लम में आते तो उनका साथ आप देते थे। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है और आपके पर्सन को खुश रखना तो दूर, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कंट्रोल में ही रख रही है और इसकी वजह से आपके पर्सन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो अभी आपके पर्सन की सोच आपके लिए यही है गाइस कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ अपना रिश्ता सुधार लें, लेकिन यही है कि आपके पर्सन को मालूम है कि यह इतना आसान अब नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो और आप अब उनके सामने झुकने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको भी लगता है कि वो आए तो आपको कमिटमेंट दें या तो फिर आप अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ये आपने भी सोच लिया है। तो आपके पर्सन को ये मालूम है कि आपकी तरफ बढ़ना अब इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आपके साथ अपना रिश्ता सुधार लें और वो आपके साथ फैमिली भी देखते हैं गाइस। उनकी इच्छा तो यही है कि आपके साथ वो अपनी हैप्पी फैमिली बनाएं, लेकिन उन्हें डर भी है कि अब आगे क्या होगा, आप उनको अपनी लाइफ में अब वापस आने दोगे भी या नहीं, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, ये भी डर आपके पर्सन को सता रहा है और उन्हें मालूम है कि अब इस रिश्ते को सुधारना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन गाइस यहाँ पर यही दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे भी और वो आपसे बात भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग मुझे ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, या तो आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया होगा या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। तो अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है गाइस तो वो अनब्लॉक भी करेंगे और वो आपको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं और ये होगा 8 घंटे में भी हो सकता है, 8 दिन में भी हो सकता है, 8 महीने में भी हो सकता है या फिर 8 वीक में भी ये हो सकता है। तो यहाँ पर 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस।
तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको खुद पर फोकस करना है, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और किसी के सहारे की किसी को ज़रूरत नहीं होती, हर कोई अपने आप में खुद सक्षम है गाइस, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो आपके पर्सन को अगर आना है तो वो खुद आएंगे, आपको उनके लिए परेशान होने की रोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स में निकल कर यही आया है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और वो उस थर्ड पार्टी से भी निकलेंगे। तो यही रीडिंग है गाइस, आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।